नासा की सैटेलाइट को दिखे भोलेनाथ, वैज्ञानिकों ने माना शिव ही सत्य है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नासा के प्रोजेक्ट का नाम द शिवा प्रोजेक्ट रखा गया था, लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों? क्या सच में नासा ने भोलेनाथ को ढूंढ लिया है? भोलेनाथ के अस्तित्व और विज्ञान के बीच हमेशा बहस छिड़ी रहती है। इसी के चलते नासा ने कई प्रोजेक्ट्स में काम किया जो कि हिंदू धर्म और शिवजी से जुड़े हैं। कहा जाता है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, कुछ भोलेनाथ को एलियन कहते हैं तो कुछ दुनिया को चलाने वाला देव। वहीं जब जब नासा कोई भी मिशन करता है उससे पहले शिवजी की पूजा जरूर करता है। दरअसल शिव को ही सत्य माना जाता है, उनको वही वस्तु माना जाता है जिससे इस जीवन का निर्माण हुआ है। बता दें, नासा के लोग भगवान शिव को ही अपना पहला वैज्ञानिक मानते हैं। नासा ने एक स्टडी में बताया कि पहला डीएनए एक शिवलिंग से ही आया था। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना, ये शिवलिंग उल्कापिंड के साथ धरती पर आया था। ये उल्कापिंड अगस्त 2011 में अलास्का में गिरा था। जब नासा के वैज्ञानिकों ने उसका अध्ययन किया तो उस शिवलिंग से ऐसे जीवाणु पाए गए जो इस बात को साफ करते हैं कि पृथ्वी पर पहली बार डीएनए एक शिवलिंग से ही आया था। अब आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे और उनका उठना भी वाजिब है। आप सोच रहे होंगे कि क्या शिवजी वाकई में कलयुग में हैं? क्या वो सच में हम सबको देख रहे हैं? तो आपको बता दें, भोलेनाथ अनंत हैं, वो आज भी यहाँ मौजूद हैं, और तो और नासा ने उनको कई बार देखा भी है। साल 2010 की बात की जाए तो आपको बता दें, नासा के हबल टेलीस्कोप में पृथ्वी से 7,550 प्रकाश वर्ग दूर एक गैसों का गुब्बार देखा गया। इस गुब्बार का नाम था गैरिना नेबुला। ये नवजात तारों के पन्ने से ये निकलने वाली गैसों से बना था, लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इसमें लोगों को जटाधारी भोलेनाथ की तस्वीर को दिखाई देने लगी थी और ये फोटो आज भी सोशल मीडिया पर देखने को मिली है। वहीं अगर हम साल 2014 की बात करें तो नासा के न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप एरे ने एक नेबुला की तस्वीर ली थी जिसका नाम रखा गया हैंड ऑफ गॉड। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान के हाथ की तरह दिखता ये नेबुला पृथ्वी से 17,000 प्रकाश वर्ष दूर है। साइंस की भाषा में इसे पल्सर विंड नेबुला कहते हैं, लेकिन लोगों ने इसे भोलेनाथ का ही हाथ माना था। ठीक इसी तरह 2017 में भी नासा के हबल टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में अलग अलग आकार के बादलों को समूह दिखाई दिया। ये त्रिशूल की तरह दिख रहा था। उस समय भी नासा की इस तस्वीर को भगवान शिव का त्रिशूल कहकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला सर्न के बाहर नटराज की मूर्ति लगी है जो जीवन के स्रोत को दर्शाती है। सर्न के वैज्ञानिकों का मानना है कि वो जो प्रयोग कर रहे हैं वो भगवान शिव के संहार करने के सिद्धांत पर आधारित है, यानी पहले संहार करो फिर निर्माण करो। इसीलिए सर्न प्रयोगशाला के बाहर तांडव करने वाले भगवान शिव की मूर्ति लगी हुई है। वहीं भोलेनाथ के अलावा लगभग एक साल पहले नासा ने ब्रह्मांड की एक ऐसी तस्वीर निकाली जिसे देखकर नासा के साथ साथ इस दुनिया का हर मनुष्य चौंक गया। आपने बहुत से धार्मिक ग्रंथों में शिरोधक शाही विष्णु की तस्वीर तो देखी ही होगी, जो कि कोई काल्पनिक तस्वीर नहीं है बल्कि वेद पुराणों को समझकर बनाई गई तस्वीर है। इसे ध्यान से देखिए और अब नासा द्वारा निकाली गई तस्वीर को भी देखिए जिसे नासा ने मिस्टिक माउंटेन का नाम दिया है। अब अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखें और इसकी तुलना शिरोधक शाही विष्णु की तस्वीर से करें जो कि काल्पनिक नहीं है, तो आप पाएंगे कि नासा की तस्वीर बहुत हद तक भगवान विष्णु के इस रूप से मिलती जुलती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप माने या ना माने, इस दुनिया में हर चीज, यहाँ तक की पूरी दुनिया भगवान विष्णु के अंदर ही विद्यमान है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया।